गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर 4 प्रेशर इन लिक्विड पार्ट सेकेंड. पार्ट फर्स्ट आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू. इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस द एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर? सिंपल द वर्ड एटमोस्फेरिक मीन्स एटमोस्फेयर से जुड़ा हुआ प्रेशर. मतलब एटमोस्फेयर का भी प्रेशर हम पे लगता है. ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ एयर. दैट इज कॉल्ड एयर. दैट इज कॉल्ड एटमोस्फेयर. एंड डेंसिटी ऑफ द एयर इज डिफर एट डिफरेंट प्लेसेस. देखा, आपने सुना होगा एटमोस्फेयर मतलब क्या होता है. एटमोस्फेयर मतलब होता है एयर. मतलब आपकी सराउंडिंग्स में, आपके आसपास आपके एक कवरेज है एयर की, उसे एटमोस्फेयर बोलते हैं. अब आपने देखा होगा जो डेंसिटी है आपके एयर की अलग अलग होती है. आप कहीं जाले जाते हैं, सी लेवल पर अलग है आपकी, कहीं एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पर अलग है. और आप देखोगे कहीं जाके तो आपको स्पेस में जाते हो, इफ यू गो फॉर द स्पेस देर विल बी अ ओनली अ वैक्यूम. देर इज नो वैल्यू ऑफ एनी एयर. कोई भी आपका एयर का कोई मतलब ही नहीं है. दैट मीन्स तो द कम टू डेफिनेशंस ऑफ द प्रेशर. द प्रेशर एग्जिस्ट बाय द अर्थ एटमोसफेयर. मतलब आपके अर्थ एटमोसफेयर के द्वारा लगने वाला प्रेशर. अर्थ एटमोसफेयर मतलब क्या होता है? एटमोसफेयर मतलब एयर. एयर का लगने वाला प्रेशर वो क्या कहलाता है? एटमोसफेयरिक प्रेशर. नाउ आर यू नो दैट द एयर हैज अ वेट. एयर के पास अपना वेट होता है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट, आपने देखिए दो बैलून लीजिए, दोनों को आप फिल विद द एयर एंड उसको बांध लीजिए किसी स्केल से. जैसे पिंच ऑफ वन बैलून आफ्टर लूजिंग द एयर, द बैलून फिल्ड विद द एयर टिल टूवर्ड दिस साइड. देखिए, दो बैलून लीजिए, स्केल पे बांध लीजिए. अगर एक बैलून का पिंच करके फोड़ दोगे तो आपका ऑटोमेटिक जो स्केल होगा वो हैवी की तरफ से उठ जाएगा. मतलब नीचे हो जाएगा, लाइट कलर से ऊपर उठ जाएगा. एयर हैज़ अ वेट. एयर के पास वेट है. तो वेट मीन्स उसके पास थ्रस्ट भी होगा. क्या होगा आपका? थ्रस्ट. क्योंकि थ्रस्ट मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट. तो थ्रस्ट एग्जर्ट पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द एयर वॉल्यूम इज द डेफिनेशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट तो व्हाई वी नॉट फील द एयर प्रेशर. हम लोगों को एयर प्रेशर क्यों फील नहीं होता है? तो दैट नेक्स्ट हेडिंग इज ऑल्सो माई दिस टॉपिक, फीलिंग ऑफ नो एडिशनल प्रेशर ड्यू टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर. एडिशनल प्रेशर, ठीक है. देखो, द रीजन बिहाइंड द क्वेश्चन कि वाई वी डी नॉट फील द एटमोस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज एटमोस्फेरिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर. देखिए, आपकी बॉडी के अंदर भी आपका ब्लड का प्रेशर होता है, क्योंकि ब्लड आपका, देखो ब्लड में भी ब्लड प्रेशर, क्योंकि आपका ब्लड है तो वो भी फ्लूड ही है, वो फ्लो होता है, उसका प्रेशर होता है, वो एग्जिस्ट करता है प्रेशर. उसका प्रेशर, आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर, दोनों इक्वल होते हैं. दैट्स वाई वी विल नॉट फील इट. बट जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ऊपर कहीं जाते हैं, आप माउंटेनर्स वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है. दैट्स वाई कभी कभार आपके माउंटेनर होते हैं, उनके आपकी जो नोज ब्लीडिंग हो जाती है इसीलिए. तो आप मैं कभी सबको बेस्ट एग्जांपल बताऊँ, ऐसे आप आंधी वगैरह कभी जाते हैं, अचानक से आंधी आपको बैकवर्ड तरफ खींचती है, क्यों होता है? ऑब्वियसली बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कुल मिला के बात यह है कि आपकी अर्थ एयर से घिरी हुई है और एयर का अपना वेट होता है, दैट्स वाई उसके प्रेशर लगता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट यू कैन सी दैट द एटमोस्फेरिक प्रेशर. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यू वॉन्ट आर टू थिंग, फर्स्ट इज स्टेन एंड सेकेंड इज बर्नर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द फिल द वॉटर इन द टिन एंड बर्न द वॉटर. When water is burned, water is boiled, the steam is come out. So you remember this, when you are boiling the water, the opening of tin must be open. आपकी जो आप टिन को गर्म करो, पानी को उबालो, तो आपको ये याद रखना है जो ओपनिंग है टिन की वो उसे खुली रखनी है. As the vapor made in the tin, जैसे जैसे वेपर्स बन जाती है पूरी पूरी तरह से आपकी टिन के अंदर, तब आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है.
ठीक है, तो क्लोज करने के बाद बर्नर को ऑफ भी कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या रखोगे उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप्स है इसका, यू हैव टू पोर अ कोल्ड वाटर ऑन द टिन। आप कोल्ड वाटर डालोगे जैसे इसके ऊपर तो आपके टिन कोलैप्स इनवर्ड। तो व्हाई द टिन गोज इनवर्ड, व्हाई द टिन कोलैप्स इनवर्ड, क्यों हुआ ऐसे? देखिए सिंपल सी बात है, देखो गर्म पानी है, ठंडा पानी ऐड किया, वो तो बैलेंस हो गया ना, तो टिन अंदर की तरफ क्यों गई? दूसरी बात ये, अगर अंदर इतना प्रेशर इंक्रीज हुआ तो आपकी टिन अंदर की तरफ क्यों गई? बाहर की तरफ होनी चाहिए, एक्सपेंड होनी चाहिए, इतना श्रिंक तो नहीं होनी चाहिए थी, एक्सपेंड होनी चाहिए थी। अगर अंदर का प्रेशर इतना बढ़ गया था तो वो बाहर की तरफ निकलनी चाहिए थी, ताकि अंदर की तरफ श्रिंक होनी चाहिए। क्योंकि आपकी बोतल अंदर की तरफ सिंक हुई है, यही प्रूफ है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ काम क्यों किया? क्योंकि आपके टिन के अंदर जो स्टीम का प्रेशर था और बाय पोरिंग द कोल्ड वाटर ऑन इट बैलेंसिंग, ये कम हो गया वहाँ पे, लेकिन एटमॉस्फेरिक पर क्या हो गया, आपका प्रेशर ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई द टिन कोलैप्स इन वॉल्व। नाउ दिस विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। तो व्हेन द रीजन इज दैट इनिशियल प्रेशर ड्यू टू द स्टीम इन साइड द टिन इज सेम एज द एयर प्रेशर आउटसाइड, बट वेन कोल्ड वाटर इज पोर्ड स्टीम इन साइड गेट कंडेंस, वाटर इज प्रोड्यूस टू विच प्रेशर इन साइड द कैन डिक्रीज ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर टिन कोलैप्स इनवर्ड। दिस एक्सपेरिमेंट शो द इजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। आई होप स्टूडेंट्स यू गेट द मीनिंग, करेक्ट मीनिंग ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। नाउ कम टू द कॉमन एग्जाम्पल या कॉमन यूजफुल थिंग्स विच वर सीन इन द डेली लाइफ विच वर्क ऑन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रिंसिपल ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर। फर्स्ट इज दैट शेकिंग ऑफ जूस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। आप डेली लाइफ में जूस या फिर आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स यू हैव टू सर्व या यू हैव टू डिग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। तो है द स्ट्रॉ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। हाउ? नाउ लेट्स सी। सिंपली यू कैन सी दैट, देखिए व्हेन यू ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, द एयर इन साइड द स्ट्रॉ गोज इन टू अवर लंग्स, देन एयर प्रेशर इन स्ट्रॉ डिक्रीज। सिंपली जैसे आप स्ट्रॉ को मुंह में लेते हो तो जो आपका प्रेशर होता है स्ट्रॉ के अंदर वो कहाँ चला जाता है, आपके लंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो उसका जो आपके स्ट्रॉ के अंदर का जो आपका प्रेशर है वो कम हो गया, लेकिन आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लगता है जो हेल्प करता है लिक्विड को ऊपर की तरफ फ्लो होने में। व्हेन यू सक द एयर या व्हेन सक द लिक्विड, तो आप दिस सकिंग ऑफ लिक्विड इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर ही वो लगाता है ताकि वो अंदर की तरफ उसका प्रेशर बढ़ सके। एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पुश द लिक्विड इन टू द स्ट्रॉ एंड देन गेट इन टू अवर माउथ। यही आपकी हेल्प करता है स्ट्रॉ की हेल्प से आपको जूस पीने में। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कमिंग फिलिंग ऑफ सिरिंज विद द हेल्प ऑफ लिक्विड। फिलिंग ऑफ सिरिंज विद द हेल्प ऑफ विद द लिक्विड, आपको सिरिंज को भरना है लिक्विड पे। ये भी आपका किस पे वर्क करता है? ऑब्वियसली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। यू हैव टू सी दैट दे आपका इस इंजेक्शन होता है यहाँ पे आपका वो लगा होता है हैंडल बोल दीजिए या फिर पिस्टन बोल दीजिए। यहाँ पे जब वो पिस्टन की हेल्प से क्या होता है उसे ऊपर खींचते हो तब आता है लिक्विड, लेकिन जैसे आप इनवर्ट की तरफ डायरेक्शन में डालते हो तो आपका पहले लिक्विड निकलता है। ऐसा क्यों होता है? देखो आप वैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने पिस्टन को बाहर की तरफ अंदर की तरफ लगाया तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है बहुत कम हो जाता है, लेकिन एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका ज़्यादा होता है जो कि हेल्प करता है, उसे आप खींचोगे ना तो वही आपके अंदर तरफ लाता है, वही एटमोस्फेरिक प्रेशर उसका इतना होता है बाहर की तरफ डिफरेंस आता है प्रेशर में जो कि हेल्प करता है आपकी लिक्विड को ऊपर की तरफ जाने में, ठीक है ना। तो वही सेम थिंग saying that in English, when the opening is kept inside the liquid, its plugger is pulled up from the barrel. Pressure inside the barrel become low. From then the atmospheric pressure acting on liquid.
लाथो द फोर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड विच हेल्प द लिक्विड टू गोज इन द सिरिंज. द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू हैव टू सी टू होल्स आर मेड इन अ सील ऑयल टिन. यू हैव टू सी दैट कि सील ऑयल टिन हैव अ टू होल्स. वाई आर टू होल्स? वन होल इज अंडरस्टैंडिंग दैट वन होल इज मेड फॉर फोरिंग आउट अ ऑयल. तो वाट इज द रोल ऑफ सेकेंड होल? सेकेंड होल का मतलब क्या है? वाई वी इट इज डन? तो इट इज डन फॉर सेकेंड होल इज मेड ऑन द टिन बिकॉज एटमोस्फेरिक प्रेशर टू रिड्यूस द एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, आपके जो ऑयल का टिन सील ऑयल टिन होते हैं वो दो होल क्यों बनाए होते हैं? दो होल इसलिए बनाए होते हैं क्योंकि अंदर का प्रेशर भी होता है और होल से क्या होता है, अंदर का प्रेशर रिलीज हो जाता है. टिन के अंदर प्रेशर जो होता है, जो ऑयल का प्रेशर होगा वो रिलीज हो जाएगा. अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो वो बस्ट हो जाएगा आपका टिन. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपके अलग अलग ऑयल की अलग अलग डेंसिटी होती है और अलग अलग उनकी सॉल्युबिलिटी भी होगी, अलग अलग उसकी सब कुछ होगा. कभी कभार इसका एटमोस्फेरिक ज़्यादा हो सकता है, कभी कभार एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो सकता है. एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका कम हुआ तो आपकी टिन बस्ट हो जाएगी, लेकिन एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हुआ तो आपकी टिन श्रिंक हो जाएगी, फिर भी फटेगी वो. ठीक है, नोज स्टार्ट ब्लीडिंग एट हायर एल्टीट्यूड. यू हैव टू सी दैट द नोज स्टार्टिंग ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड. वेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज बट आवर ब्लड प्रेशर बिकम सो हाई देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो द ब्लड वेसल कैन नॉट टॉलरेट दैट प्रेशर एंड द ब्लड वेसल बर्स्ट एंड ब्लीडिंग टेक्स प्लेस. तो वही बताया मैंने आपको, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं हम लोग तो क्या होता है, आपका जो एटमोस्फेरिक पाप जो क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है. लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप हाथ में लग जाते हो धीरे धीरे, हार्ट बीट तेज होने लगती है क्योंकि आप ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. याद रखिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है इसीलिए सब चीज़ें होने लगती है. नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ इंक इन अ फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन इज नॉट फाउंड इन येट मतलब रिसेंट डे पर इन अर्लियर डे फाउंटेन पेन इज वेरी कॉमन. दैट्स वाई फीलिंग ऑफ इंक पेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिंसिपल दैट इज वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर. सेम प्रिंसिपल वर्क दैट इज अ सिरिंज इज हैपनिंग एंड सकिंग ऑफ जूस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ. ठीक है, वही चीज़ है. आप उसमें रबड़ होती थी पहले पेन में, उसे आप सेम जैसे सिरिंज वर्क करती है वही सेम आपका आपका फाउंटेन पेन वर्क करता था. नेक्स्ट है आपका एक्शन ऑफ रबर शक्कर. देखो रबर शक्कर मतलब क्या है, इसकी आपकी रबर सी होती है और पीछे इस पर स्टिक लगी होती है. देखा हो ना आपने, आप लोग ज़्यादा यूजली सीन इन द बाथरूम या किचन में रबर सी लगी, उसे चिपक जाती है ना आपकी दीवार चिपक सी जाती है. ऐसा क्यों हो जाता है? कैसे आप वैन यू पोस्ट अन अ वॉल तो एयर इनसाइड द रबर इज डिक्रीज एंड वैक्यूम इज क्रिएटेड. ऐसे आप वॉल पे लगाते हो तो हवा चिपक जाती है. क्यों चिपक जाती है? क्योंकि वहाँ से एयर निकल जाती है. तो निकल जाती है तो फिर चुपकी कैसी रहती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि उस पर एटमोस्फेरिक प्रेशर लगता है जो कि इसको दीवार पर चिपकाए रखता है. ठीक है, अब आजकल क्रैक्स में तो स्टिकर्स निकलते हैं जो दीवार पर चिपक जाते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पर बिहाव इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्शन ऑफ साइफोन सिस्टम. द अरेंजमेंट ऑफ साइफोन सिस्टम इज हेयर. साइफोन सिस्टम इज एप्लीकेबल water is supplied from higher level to lower level by a siphon system. In this you have to see that there are two container P and Q which is placed at higher place, higher altitude and next is on low level. Okay? In this connected with the rubber tube. तो याद रखिए यहाँ पे क्या याद रखना है कि आपको जो भी आपको पानी की सप्लाई ट्रांसफर करनी है जहाँ से करनी है वो आपको ऊपर हाई प्लेस पर रखना है, दूसरा लो लेवल पर रखना है. ठीक है, तो देखिए कैसे वर्क करता है. देखिए एयर इनसाइड ट्यूब सक फ्रॉम द वन एंड. देखो दो जो ट्यूब है इसका एक एंड इस तरफ होगा और एक एंड इस तरफ होगा. जैसे आप उसको शक करोगे पानी को अपनी तरफ खींचोगे तो जितनी भी इसकी पाइप के अंदर एयर जो होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, वहाँ का अंदर का प्रेशर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन जो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर है जो उस पर लगता है
वो आपका वहाँ पे काम करेगा, जिसकी हेल्प से क्या आपका वाटर इजीली दूसरी बकेट में इजीली पहुँच जाएगा और आपको बार बार सक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल यू कैन सी इन अ कूलर। कूलर में भी ऐसे क्या करिए आप देखना, पर लेकिन ध्यान रखना कूलर का प्लग जरूर इलेक्ट्रिकल प्लग को हटा देना। वो सक करोगे ना एक बार पानी कंटिन्यूस फ्लो रहता है, इसे कहते हैं साइफन सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको तो ये इनसाइड ट्यूब सक फ्रॉम वन एंड सो दैट लो प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम सरफेस एरिया। तो वाटर इन अनदर वेसल व्हिच इज कैप्ड एट लोअर लेवल इज कम द वाटर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ कम टू अ नेक्स्ट हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज इन माय माइंड कि हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड। तो बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका बैरोमीटर आपका एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग बैरोमीटर को मेजर करते हैं। बैरोमीटर आर ऑफ थ्री टाइप, फर्स्ट इज सिंपल बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर। तो नाउ वन बाय वन आई विल डिस्कस दिस। तो फर्स्ट आई विल डिस्कसिंग सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर वॉज डिजाइन बाय टेरोसलिन एंड इन दिस बैरोमीटर वी यूज मरकरी एज लिक्विड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेनिंग द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सिंपल इट इज अ सिंपल ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ 1 meter, क्लोज एट वन एंड एंड अनदर एंड इज ओपन। This tube is completely filled with the mercury and the open end is closed with the thumb. ठीक है, अब वो आपके सिंपल बैरोमीटर है, हार्ड ग्लास का है, 1 meter की लेंथ होती है, एक एंड से बंद होता है, दूसरे एंड से आपका खुला होता है और आपको इसमें मरकरी फील होता है इस पूरे में और हमें अंगूठे से इसको इसके वाले एंड को बंद कर लेते हैं, दूसरा जो ओपनिंग एंड है आपका। Then it is inverted to make a upside down in a trunk filled with the pure mercury. अब देखिए आपको क्या करना है, आप इसको पहले मरकरी से फिल कर लिया, फिर इसमें टोंग में आपने मरकरी फिल कर लिया। अब क्या करना है आपको, मेक श्योर दैट देयर शुड नॉट बी बबल इन अ ट्यूब। और आपको देखना है आपसे ऐसे उल्टा इन्वर्टर में उल्टा से ऐसे आपने मरकरी में ट्यूब लिया, यूँ पकड़ा होगा आपने, अब इसे उल्टा करोगे ना, उल्टा करने का देखना है कि इसे बबल्स क्रिएट नहीं होने चाहिए। अगर बबल्स क्रिएट होते हैं तो श्योर दैट बबल्स को रिमूव करना है। तो द मेन पर्पज टू रिमूव द बबल वी हैव टू क्रिएट अ वैक्यूम, ठीक है। तो आपको इसे करके इस तरह से होता है, इन्वर्टर माने उल्टा करना है और इसे आपको यहाँ पे पकड़ कर रखना है, फिर बबल्स खत्म हो जाएंगे आपको, फिर से आपने आपको यू विल हैव टू रिमूव योर थंब एट द ओपनिंग। तो इट विल बी ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ मरकरी फॉल डाउन, मतलब लेवल जो मरकरी का धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा एंड द रिमेन्स फाइनली स्टेशनरी एट 76 centimeter हाइट एज शोन इन द फिगर। रिमेंबर दिस, यू हैव टू दे टू मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है कि 76 हाइट पे आपका मरकरी का लेवल रुक जाए, मतलब हिले नहीं बिल्कुल भी, स्टेशनरी होना चाहिए। When mercury remains stationary at 76 height, तो pressure exerted by mercury column at point A is equal to the pressure at point C. जब आपका मरकरी आपका स्टेशनरी हो जाएगा हाइट 76 पे, तो आप इसे अज्यूम कर सकते हो कि जो आपका मरकरी पे प्रेशर लग रहा है पॉइंट ए पे, वो इक्वल होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर सी पे। दैट्स वाई वी टेक अ हमें हाइट 76 तक ही लेना है, ठीक है। हाइट जो है हमारी हाइट ऑफ बैरोमीटर इज हाइट एंड वैक्यूम इज क्रिएटेड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्यूब, दिस इज कॉल्ड टोरिसलाइन वैक्यूम। देखिए आपको ये करना है, ये सब जो स्टेशनरी हो जाता है 76 हाइट पे, इसका मेन पर्पस क्या है, आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, हम इसका नहीं होना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा तो उससे क्या होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ विल इट इज वर्क।
अभी काम कैसे करता है, ये तो आपके अरेंजमेंट्स थे। यू हैव टू अरेंज द, आपका एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, तो वही अरेंजमेंट आपने कर लिए। अब आती है कि हम अब नेक्स्ट बात आती है कि अभी काम कैसे करता है। ये काम तो हमारा हो गया, मेजरमेंट्स हो गए सारे, हमने इंस्ट्रूमेंट्स को इजीली हम लगा दिए प्रॉपर वे में। अब आता है वर्क कैसे करता है। When atmospheric pressure increase at point C, the level of the mercury, the height of the mercury in tube will increase या decrease। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब एटमोसफेयर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा वैक्यूम है यहाँ पे, तो ये मर्करी का जो लेवल है वो क्या होगा, थोड़ा ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन। एंड वेन द एटमोसफेयर प्रेशर डिक्रीज, द हाइट ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर आल्सो डिक्रीज टू मेक अ बैलेंस। सिंपली है, जो आपका घट जाएगा तो क्या हो, जो आपका एटमोसफेयर प्रेशर घटेगा तो जो हाइट होगी मर्करी की वो क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जब आपके एटमोसफेयर पर ज़्यादा लगेगा तो हाइट बढ़ जाएगी, अब कम होगा तो आपका बैरोमीटर की हाइट भी कम हो जाएगी, ताकि बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो फिर वही है, तो जो हाइट ऑफ मर्करी सरफेस में हम उसको मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद सिंपल पता लग जाता है आप, क्योंकि देखो देखो आपके से प्रूफ क्या होता है, ये प्रूफ होता है जब आपका एटमोसफेयर प्रेशर लगता ही नहीं, क्योंकि वैक्यूम क्रिएटेड है, तो यहाँ पे हाइट अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए मरकरी की, तो ये प्रूफ करता है कि आपका एटमोसफेयर प्रेशर लगता है। क्योंकि अगर एटमोसफेयर प्रेशर लगता ही नहीं तो हाइट इंक्रीज डिक्रीज का मतलब ही नहीं है, क्यों हाइट इंक्रीज डिक्रीज क्यों होती, तो ये प्रूफ करता है कि आपका एटमोसफेयरिक प्रेशर होता है और उसको ऐसे मेजर करते हैं। नाउ कम टू अ पॉइंट, फैक्टर अफेक्ट्स द हाइट ऑफ बैरोमीटर। अब नाउ वी कम, देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द हाइट ऑफ बैरोमीटर। फर्स्ट इज शेप ऑफ ट्यूब, अगर इफ यू चेंज द शेप ऑफ ट्यूब और तो ऑल्सो द हाइट ऑफ मर्करी या स्टेशनरी, मेन हमारी मर्करी की हाइट 76 मानते हैं मेन वाली, वो भी अफेक्ट होगी। सेकंड पॉइंट, इफ देयर इज एन एयर बबल इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मोस्ट पार्ट ऑन टेस्ट ट्यूब, इट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज देयर विल बी नो वैक्यूम विल क्रिएटेड। वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तो हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट एडवांटेज, व्हाई वी, मतलब एडवांटेज ऑफ मर्करी एज बैरोमीटर लिक्विड। तो व्हाई वी यूज अ मर्करी इन बैरोमीटर। ठीक है, हमने मर्करी को क्यों यूज किया बैरोमीटर में, क्यों ऐसे हमने यूज किया, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट डेंसिटी ऑफ मर्करी इज वेरी हाई। द मेन पॉइंट ऑफ दिस मर्कर, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज हाई, तो इससे क्या होगा, जो हमें लेंथ होगी ट्यूब की वो हमें कम चाहिए होगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी कम होगी हमें लेंथ जो है ट्यूब की बहुत ही कम चाहिए होगी, तो सो द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज रिक्वायर्ड लेस। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ मर्करी इज नेग्लिजिबल, जो वेपर्स होती हैं वेपर्स नहीं बनती हैं, आपकी जो वेपर्स होती हैं मर्करी इसकी नेग्लिजिबल होती हैं। नाउ कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट स्टिक विद द ट्यूब, ये आपकी ट्यूब से चिपकता नहीं है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट हम लगा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज ऑपिक्यू एंड शाइनिंग, सो कन्वीनियंट इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। देन लास्ट पॉइंट, इजीली अवेलेबल इन प्योर स्टेट एट एवरी स्टेशनरी शॉप, एवरी मेडिकल शॉप है। अब तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाई वी डू नॉट यूज अ वाटर इन बैरोमीटर, हम वाटर को बैरोमीटर क्यों यूज नहीं करते, बिकॉज देयर इज सम स्पेशल, देयर इज सम डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ वाटर इन बैरोमीटर। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज मोर हाइट इज रिक्वायर्ड बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ मर्करी। सेकेंड थिंग इज दैट बिकॉज इन द मर्करी यू हैव सीन दैट वेपर्स आर नेग्लिजिबल, बट द वेपर वाटर वेपर्स ऑफ वाटर इज वेरी हाई, तो दैट इज नॉट। और सेकेंड थिंग देखा, आपकी मर्करी जो चिपकती नहीं है आपकी ग्लास में, वो वाटर इज स्टिक विद द वाटर, स्टिक विद द ग्लास ट्यूब देन, और इट इज नॉट सो ट्रांसपेरेंट, इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है वाटर ताकि हम उसको इजिली ऑब्जर्वेशन कर सकें। अब आता है डीमेरिट्स। ठीक है,
3 मिनट्स में क्या क्या नुकसान होते हैं। देखो आपको इसमें, देखो आपको सिंपल पैरामीटर जो था इसमें डिमेरिट्स क्या है, ठीक है, आप देखिए इसका डिमेरिट्स क्या है। नो प्रोटेक्शन फॉर ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी ऊपर से कवरेज नहीं दे रखी, देखिए ठीक है, अगर हवा आती है कुछ होता है तो डैमेज हो जाएगी। सर्फेस ऑफ टोंग फिल्ड विद मर्करी इज ओपनिंग, चांस ऑफ मिक्सिंग आर इम्प्योरिटीज। जो टोंग का जो ऊपर का सरफेस है ये खुला हुआ है, खुला हुआ है तो ऑब्वियसली बात है आपके डस्ट पार्टिकल या ऑक्सीजन वगैरह होती हैं या फिर एटमोसफेयर प्रेजेंट होती हैं मिक्स कर सकती हैं। इट इज़ नॉट पोर्टेबल, इसको हम इजीली मतलब पोर्टेबल नहीं कर सकते हैं। नो स्केल इज फिक्स टू मेजर हाइट, और देखिए कोई स्केल भी नहीं दे रखा है हमारे हाइट नापने के लिए। तो सम दीज डिमेरिट्स विल बी रिमूव इन अप नेक्स्ट बैरोमीटर, दैट इज आपका 14 बैरोमीटर, यू कैन सी दिस, ये आपका 14 बैरोमीटर। द डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स ऑफ बैरो सिंपल बैरोमीटर इज रिमूव्ड इन अ 14 बैरोमीटर। डिमेरिट्स ऑफ सिंपल बैरोमीटर इज रिमूव्ड एंड द वी गेट द नेक्स्ट बैरोमीटर 14 बैरोमीटर। इट इज यूज इन लेबोरेटरी टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। इन दिस बैरोमीटर मर्करी इज ऑल्सो यूज इन दिस बैरोमीटर। देखिए जो डिमेरिट्स थी आपकी सिंपल बैरोमीटर्स की, इनको रिमूव किया गया और ये बैरोमीटर जो होता है वो यूज किया जाता है लेबोरेटरी में ताकि एटमोस्फेरिक मेजर हम लोग कर सके। और यहाँ पर भी मर्करी ही फिल होता है, वाटर को फिल नहीं करते हैं, जो हम यहाँ पर लिक्विड यूज किया गया है वो यहाँ पर मर्करी ही यूज किया गया है। नाउ आई विल टेल यू अ कंस्ट्रक्शन, मतलब इसे बनता कैसे या फिर हम इसे लैब्रेरी में बना कैसे, क्या क्या चीज इसमें कंपोनेंट्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट है दिस पैरामीटर हैव अ नैरो ग्लास ट्यूब है ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर, वन एंड इज ओपन अदर एंड इज क्लोज। सिंपल देखिए आपका नैरो आपकी ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 19 सेंटीमीटर है, सिंपल पैरामीटर में की मीटर की हाइट कितनी थी आपकी, कहाँ तक थी 76 तक, ठीक है। दिस ट्यूब इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द प्योर मरकरी, इस ट्यूब को कम्प्लीटली फिल करना पड़ता है प्योर मरकरी से, कैप्ड इन इन्वर्टेड, माने इसको ऐसा उल्टा रखना, इन्वर्टेड माने आप ट्यूब को यहाँ पकड़ते हो उसे उल्टा तो करोगे, इन्वर्टेड इन अ ग्लास ट्यूब हैविंग अ लेदर कप। लेदर कप देखो वो देखिए लेदर कप भी इसके अंदर फिक्स होता है। एट द बॉटम ओपन एंड ऑफ ट्यूब इज डिप्ड इन टू मरकरी ऑफ कप, ठीक है, आपका ओपन एंड होता है उसे आपको डिप करना पड़ता है मरकरी में। द ग्लास ट्यूब इज प्रोटेक्टेड विद द ब्रास केस, जो आपका ट्यूब है पूरी देखिए किससे प्रोटेक्ट किया गया है आपको, ब्रास केस से प्रोटेक्ट किया, देखिए ये डिमेरिट्स थी ना कि उसमें ब्रास मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया था तो कोई यहाँ पे इसने लगाया भी है। नेक्स्ट इज एट द बॉटम ऑफ द ब्रास ट्यूब यू विल सी द स्क्रू, मतलब बॉटम पे जो है आपके क्या लगा है स्क्रू, ठीक है, अब स्क्रू का यूज क्या है हम बताऊंगी भी आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हाँ देखो द यूज ऑफ स्क्रू इज दैट लेदर कप कैन बी एडजस्ट विद द स्क्रू, ठीक है, आप देखिए आप स्क्रू का यूज ये है कि आप लेदर कप को आप एडजस्ट कर सकते हो ताकि वो आप लेदर कप की हेल्प सॉरी स्क्रू की हेल्प से आप लेदर कप को एडजस्ट कर सकते हो। द मर्करी लेवल इन द ग्लास वेसल इज एडजस्ट विद को साइन विद जीरो मार्क ऑफ मेल स्केल ग्रेजुएटेड इन mm अटैच विद द ब्रास ट्यूब। सिंपल है आपको मतलब इसका लेवल पूरा मेंटेन करके रखना है, मतलब मर्करी का लेवल आपको यहाँ तक होना है, ठीक है, आप कुल मिला के ये है कि आपको जीरो मतलब जीरो यहाँ पे जो ओपनिंग है जीरो से स्टार्ट होती है आपकी वहाँ तक आप उसको एंड करना है। अपर पार्ट ऑफ मर्करी शुड टच विद द ओवरी पॉइंट, देखिए जो अपर पार्ट है जो इसका मर्करी का इसके ओवरी पॉइंट पे टच करना चाहिए, ये इसके मेन है। वन ईयर स्केल इज फिटेड विद द स्लाइड्स, देखिए यहाँ पे आपका स्लाइड्स है यहाँ पे आप वन ईयर स्केल्स को यहाँ पे फिट कर देते हैं, ठीक है, और आपका मेन स्केल आल्सो अटैच, मेन स्केल भी आपको अटैच है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लग रहा है फॉर गेटिंग अ करेक्ट मेजरमेंट। एंड अ थर्मामीटर आल्सो फिटेड,
टू मेजर द रूम टेम्परेचर. आपका 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 मान लीजिए रूम टेम्परेचर भी इफेक्ट कर सकता है हमारे मरकरी के टेम्परेचर को. तो यहाँ पर थर्मामीटर को भी यूज़ किया गया है ताकि आपको भी टेम्परेचर या कोई आउटर जो इम्प्योरिटीज या गैस का कोई टेम्परेचर है इसे इफेक्ट ना कर सके. अब आता है आप इसे मेजर कैसे करते हैं. नाउ कम टू हाउ इट इज वर्क. सिंपली द लेवल ऑफ मरकरी इन द लेदर कप रेज्ड अप एंड डाउन विद द स्क्रू टू मेक अ टच ऑफ पॉइंटर टू लेवल ऑफ मरकरी. आपको स्क्रू की हेल्प से पॉइंटर बेटा ऊपर की तरफ होता है हटा होता है तब स्क्रू की हेल्प से आपको ये मरकरी का लेवल पे टच करना होता है. ठीक है तो इससे क्या होगा मरकरी का जो लेवल दबेगा ऊपर भी जाएगा कभी नीचे भी जाएगा. ठीक है तो पोजीशन ऑफ मरकरी विल बी नोटिस विद द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल. सम करना है आपको किसका जितनी भी रीडिंग्स आई हैं आपकी मेन स्केल पे वर्नियर स्केल पे. तो आपको क्या हो जाएगा आपका सिंपल एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका मेजर हो जाएगा. ठीक है आपको हाइट भी अपन इंक्लूड करनी है. डेंसिटी को प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है रो जी एच. मेन काम क्या है सिर्फ हाइट. रो पर डेंसिटी पता होती है जी हमें पता ही होती है डेंसिटी मरकरी की. सिर्फ मेन काम आपका क्या निकालना होता है सिर्फ आपको हाइट निकालनी होती है. सिंपली आप लोग सिंपल क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. नाउ कम टू वन नेक्स्ट बैरोमीटर एंड्रॉइड बैरोमीटर. दिस बैरोमीटर इज वेरी लाइट एंड पोर्टेबल बैरोमीटर. इट द मेन एडवांटेज ऑफ दिस बैरोमीटर इज इट इज वेरी लाइट एंड इजिली पोर्टेबल बैरोमीटर. इट कंसिस्ट नो लिक्विड एज कंपेयर टू द अदर बैरोमीटर विच इज जैसे आपने देखा होगा सिंपल बैरोमीटर है जैसे कि लास्ट टू बैरोमीटर्स में क्या था जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं आपका सिंपल बैरोमीटर भी था. ठीक है और आपका आपका फॉर्टन बैरोमीटर भी था उसमें लिक्विड था तो इजिली पोर्टेबल नहीं कर सकते थे और लाइट भी नहीं था. लेकिन ये आपका पैरामीटर लाइट भी है पोर्टेबल भी है. मेन थिंग इज दैट इट कंसिस्ट नो लिक्विड कोई आपका लिक्विड नहीं करता. इट इज अ कैलिब्रेटेड डायरेक्टली या आपके डायरेक्टली आपका रीडिंग मेजर करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर. और इटली देयर इज नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नो सो मच एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड कि आपको ये करना पड़ेगा उसको ओवर ही पे सिंपल पैरामीटर में क्या है 7.6 हाइट होनी चाहिए आप अरेंजमेंट लगाते इतने सारे पर इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं है. कोई नो मच एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस बैरोमीटर दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एंड्रॉयड बैरोमीटर. नाउ आई विल टेल द कंस्ट्रक्शन. इट कंसिस्ट अ मेटेलिक बॉक्स विच इज पार्सली है which is partially vacuumated मतलब कि मेटलिक बॉक्स है जो कि पहले से ही पार्शली आधा वैक्यूम होता है. जो टॉप ऑफ ए बॉक्स इज स्प्रिंग या आपकी एक टॉप है उसके ऊपर टॉप जो होता है उसकी स्प्रिंग सी होती है इज इन द शेप ऑफ डायाफ्राम. उसके ऊपर टॉप जो लगी होती है इसमें स्प्रिंग की आपको दिखेगी इसमें स्प्रिंग जैसी होती है. ठीक है जो रॉड एल इज फिक्स्ड एट द मिडल ऑफ डायाफ्राम. रॉड एल को आप फिक्स करते हैं मिडल ऑफ डायाफ्राम में. ठीक है द टीथ ऑफ रॉड फिटेड बिल्ड विद द टीथ ऑफ व्हील एस मतलब जो टीथ है इस रॉड के हम इसे फिट करते हैं एक व्हील से विच इज अटैच टू द स्केल सर्कुलर स्केल एंड सर्कुलर स्केल हैव अ पॉइंटर एंड रीडिंग ऑन द स्केल. आप जो टूथ हो बस के जो आपका टीथ होते हैं जबकि ये किससे अटैच होते हैं आपके व्हील से. आपका व्हील किससे अटैच है आपका अटैच विद द स्केल. स्केल से अटैच होता है आपका व्हील जिसके पास आपके पॉइंटर भी है और रीडिंग्स भी दे रखी हैं. ठीक है ना तो अब क्या होता है देखो इसकी हेल्प से क्या होता है आप लोग इजिली एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं. तो हाउ इट इज नाउ आई विल डिस्कस द वर्किंग. व्हेन द एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज इट प्रेस द डायाफ्राम डाउनवर्ड. ऑब्वियसली बात है जब आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये आपकी रॉड नीचे जाएगी तो उसका डायाफ्राम क्या है नीचे हो जाएगा. ठीक है ना प्रेशर पर उसका डायाफ्राम क्या है नीचे हो जाएगा तो रॉड एल गेट डिप्रेस डाउनवर्ड. ठीक है तो व्हील रोटेट होगा अब जैसे कि नीचे जाएगा तो व्हील क्या होगा आपका व्हील रोटेट होगा. कैसे रोटेट होगा आपका व्हील रोटेट क्लॉक वाइज
क्या आएगा? क्लॉकवाइज. तो देन द पॉइंटर पी मूव टूवर्ड द राइट. तो आपका पॉइंटर कहाँ पर मुड़ने लग जाएगा? राइट की तरफ मुड़ने लग जाएगा, सर्कुलर स्केल पे. नाउ कम टू व्हेन नेक्स्ट, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो जो क्या होगा, तो डायफ्राम जो होगा इसके ऊपर क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा. क्या जाएगा? डायफ्राम कम्स अप. तो रॉड जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, मूव अप, आपकी ऊपर हो जाएगी. तो तुम द रॉड मूव अप एंड द व्हील रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. जो व्हील कैसे रोटेट करेगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. और द पॉइंटर विल गो द लेफ्ट. पॉइंटर कहाँ जाएगा आपका? लेफ्ट की तरफ चला जाएगा. ठीक है, तो इजीलिए पॉइंटर चला गया. हमें सिर्फ मेजर करना है इसकी हाइट, क्योंकि हाइट से हमें सब कुछ चेक करता है. तो आपका पता है, तो इसके पढ़ेंगे यूजेस. इसे यूज क्या होता है? फर्स्ट यूज यही है, इट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग. वेदर फॉरकास्टिंग जो होती है आपकी, जो मौसम विभाग जो आपके लोग अनाउंसमेंट करते हैं, वो वेदर फॉरकास्टिंग कहते हैं. इट इज ऑल्सो यूज इन एल्टीमीटर. एल्टीमीटर, वॉट इज एल्टीमीटर? एल्टीमीटर इज एंड्रॉयड बैरोमीटर. आपका एल्टीमीटर होता है एक एंड्रॉयड बैरोमीटर है. यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में, एक वॉच की तरह दिखता है आपका ये. किस तरह दिखता है? जस्ट लाइक अ लुक लाइक अ वॉच. टू मेजर द एल्टीट्यूड, किस नापने के लिए? आपको एल्टीट्यूड नापने के लिए किया जाता है. क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ हाइट अबव द सी लेवल. तो आपको जानते थे कि आप सी लेवल से ऊपर ऊपर जाते चले जाओगे, जो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर जो घटता चला जाएगा. तो फिर दबाव बनता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका, धीरे धीरे क्या होता है, घटता चला जाता है. ठीक है, सो इट इज वेरी वंडरफुल डिवाइस टू मेजर हाइट एंड इजिली हैंडल. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ एयरक्राफ्ट पर्सन, या फिर एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा आपकी हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड. मतलब आपको ये बताना है, अगर आपके एल्टीट्यूड में चेंजेस आते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक में क्या चेंज आता है. ठीक है, यू कैन सी द ग्राफ. तो आपके पास थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वरीज विद द हाइट. ठीक है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. एज वी मूव अप इनटू द एटमॉस्फेयर वी फाइंड दैट एयर प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग. दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है. तो द वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर दैट मीन्स डिपेंड ऑन टू थिंग्स. मतलब जो एटमॉस्फेरिक आपका घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, इट्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग. फर्स्ट इज दैट वेरिएशन इन हाइट ऑफ एयर कॉलम. पहला क्या है, आपकी हाइट, जो आपकी एयर कॉलम की जो हाइट होती है वो बढ़ने पे दिक्कत वेरिएशन जो होती है. और सेकंड थिंग इज दैट वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ एयर एज वी मूव अप. जैसे जैसे आप डेंसिटी भी एयर की बाएँ रखती है, जैसे आप ऊपर जाते हो, चढ़ाई करते हो, तो हाँफने लगते हो, उस ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. तो सिंपली जो आपकी डेंसिटी जो होती है एयर की होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है. दैट्स वाई एटमोस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है. ठीक है, वो बताया है. एंड दिस वेरिएशन इज शोन इन द फिगर. ऐसे यू कैन सी दैट, अगर आपकी मान लीजिए आप पैन आप उस पर खड़े हैं, हाइट पैन, तो आपके प्रेशर कितना लगा? 60. मतलब हाइट कम, प्रेशर क्या हो गया आपका? ज़्यादा. अगर आपकी हाइट मान लीजिए 20 हाइट पर है, प्रेशर कितना लगा आपका? 50. अगर मान लीजिए 30 हाइट पर है, प्रेशर कितना लगा आपका? 40. लेकिन अब आती है बात, जब हम हाइट 60 पे हैं, तो प्रेशर कितना लगा हमारे पास? 10. दैट मीन्स ये शो करता है, इस जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि आपकी एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, दैट्स वाई एटमोस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाएगा. इसका बेस्ट एग्जांपल देखा होगा कि जितने भी आपके वाटर बॉयल करते हो, आपका वाटर जो है नीचे लेवल पर रहोगे तो वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे इजीली बॉयल होता है. लेकिन जैसे जैसे ऊपर चले जाते होगे, वो आपका टेम्परेचर कम लगता है बॉयल होने में, क्योंकि आपकी जो वाटर की सारी एयर की डेंसिटी जो है धीरे धीरे कम हो जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो ना का फर्स्ट क्वेश्चन अराइजिंग योर माइंड, व्हाट इफेक्ट्स विल बी सीन इन योर विद द चेंज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर. द फर्स्ट इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीद एट हाई एल्टीट्यूड, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीद एट हाई एल्टीट्यूड. समटाइम यू कैन सी दैट नोज ब्लीडिंग इज ऑल्सो अकरिंग.
बिकॉज आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वहाँ पे क्या होता है आपका घट जाता है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर का प्रेशर होता है वो आपका अंदर बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई कि ब्लड प्रेशर क्या फट जाती है, आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो, कभी कभार हार्ट अटैक के चांसेस भी आप लोगों के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज अ लीकेज ऑफ इंक पेन ड्यू टू लो प्रेशर। आपका कभी कभार देखा होगा आपके पेन इंक पेन होते हैं वो लीक हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर। या लो प्रेशर कब होता है, सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ज़्यादा होगा तो आपका लो प्रेशर की वजह से आपकी पेन की इंक भी हो जाती है। द नेक्स्ट हेडिंग इज दैट, तो आपका एटमॉस्फेरिक रिजल्ट देख लीजिए इसकी लॉस है लेकिन कि इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है बेटर फॉरकास्टिंग बाय बैरोमीटर, विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर वेदर फॉरकास्टिंग इज पॉसिबल। तो कैसे पॉसिबल होती है, फर्स्ट इज दैट इफ बैरोमीटर हाई सडनली फॉल इट इंडिकेट साइक्लोन या स्ट्रॉम टू डिक्रीज इन प्रेशर। अगर मान लीजिए अचानक से बैरोमीटर की हाइट अचानक से सडनली गिर जाती है, इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई तूफान या साइक्लोन आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि आपकी जो वहाँ का प्रेशर एकदम से गिर गया है। सेकेंड पॉइंट इज दैट इफ बैरोमीटर हाइट ग्रेजुअली फॉल इट इंडिकेट्स ऑफ रेनफॉल। लेकिन आपकी बैरोमीटर की हाइट धीरे धीरे घट रही है, धीरे धीरे घट रही है, इट इंडिकेट्स करता है कि वो आपकी रेन आने वाली है, रेनफॉल होने वाला है। थर्ड पॉइंट इज दैट इफ हाइट ऑफ बैरोमीटर ग्रेजुअली इंक्रीजेज इट इंडिकेट ड्राई वेदर। इट मीन्स अगर आपके बैरोमीटर की हाइट धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब इंक्रीज होती जा रही है तो वो क्या मतलब करता है, आपका ड्राई वेदर करता है। इफ देयर इज अ सडन राइज इन बैरोमीटर हाइट इट विल इंडिकेट दैट एक्सट्रीमली ड्राई वेदर। दैट मीन्स अगर आपकी बैरोमीटर की हाइट अचानक से बढ़ जाती है तो क्या इंडिकेट करता है, एक्सट्रीमली वेदर का इंक्रीज करता है। वेदर रिमेन नॉर्मल इफ देयर इज नो चेंज इन द एटमोसफेयर एटमेना बैरोमीटर हाइट। अगर मान लीजिए आप पे कोई भी बैरोमीटर हाइट में कोई चेंजेस आते ही नहीं है, एटमीन्स आपको नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल इन योर स्टडी। नाउ कम टू अवर न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन में देखिए आपका फर्स्ट अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, आफ्टर दिस वी विल डिस्कसिंग द एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज आपको देखो सिंपल सी न्यूमेरिकल से टफ नहीं है, आपको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डालना अपना है, इसकी डेप्थ दे रखी है, ग्रेविटी दे रखी है, एटमोस्फेयर प्रेशर दे रखा है, वाटर की डेंसिटी दे रखी है। सिंपल क्या करना है आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर निकालने का, क्या होता है रो जी एच, तो पता है रो जी एच होता है आपका फॉर्मूला। सिंपल पुटिंग द वैल्यू पुट करिए आपने यहाँ पे, सिंपल 10 की पावर 3 है तो यहाँ पे मान लीजिए 2 है पावर, यहाँ पे 1 कितनी है 1, तो 2 और 1 3 हो गई, 10 की पावर क्या 6 हो जाएगी। सिंपल मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पे आपका पॉइंट आपको इस तरफ हो गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे 10 की पावर 5 हो गया। आपको क्या निकालना, सेकंड थिंग निकालनी है टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है आपको, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो रो जी एच निकाला है हमने। ठीक है, आप देखिए आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10^5 दे रखा है, और जो आपको ये दे रखा है वैल्यू पुट कर इसकी, 10^5 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस किया, सिंपल कैलकुलेशन। तो देखिए आपको खुद दिखा कि न्यूमेरिकल में पूछ रही है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आपके लिए कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, इजी कैलकुलेशन थी। ना कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी देखो आपको मेन चीज इसमें आपको हाइट दे रखी है मरकरी की सेंटीमीटर में, मेन चीज दैट सेंटीमीटर में, लेकिन चेंज करना है किसमें, आपको मीटर कर लिया। आप हम बताते देखो क्या है, आप उसने ये बोला है अगर मरकरी को वाटर से रिप्लेस करते हैं तो हमें हाइट किसकी निकालनी है, वाटर की हाइट निकालनी है। लेकिन आपको पता होगा जो प्रेशर जो है इक्वल ट्रांसमिट होता है, चाहे आपका वाटर हो चाहे मरकरी हो, डिपेंड ऑन द डेंसिटी, पर यहाँ पे हमने इक्वल किया तो प्रेशर तो इक्वल एग्जिट होगा, दोनों का प्रेशर क्या होगा आपस में इक्वल होगा, इसका भी रो जी एच होगा, इसका भी रो जी एच होगा, जो ग्रेविटी होगी दोनों की इक्वल होगी, 10 होगी, 10 अगर 10 ले जाओ 10 होगी, 9.8 होगी, कट जाएंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या, 10^3 होती है, वाटर की हाइट हमें निकालनी है। डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होती है, 13.6, और हाइट कितनी दे रखी है हमने चेंज की थी, 0.57। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जो आपको एरिया दे रखा है लेकिन ज़रूरत नहीं है एरिया की, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो रो जी एच का होता है, आपको जो बेस का एरिया दे रखा है वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रो जी एच, यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको एरिया पुट करना है, नहीं करना है ना, सिंपल किया हमने चेंज की मीटर में,
मीटर में चेंज करने के बाद सिंपली क्या दिख गया आपको, बस सिंपल आपका आंसर आ गया। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि आपकी हर डिजिट यूज होगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप यू हैव टू सी दैट द अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन 4 कर रही हूँ। 5th आप अपने आप को डू योर सेल्फ, क्या करना है आपको, कन्वर्ट करना है किट में चेंज करना है पास्कल। और पास्कल मीन्स क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स देखो आपका दे रखा है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर को पहले चेंज किस में करेंगे हम लोग, किसमें, 10 से सेंटीमीटर, सॉरी पहले मीटर में चेंज करेंगे फिर सेंटीमीटर में चेंज किया। आफ्टर सॉल्विंग द कैलकुलेशन यू विल गेट द दिस, 10 के पावर माइनस 2 कैसे आई, देखो यहाँ पर 10 के पावर 2 है, सिंपली लिख दिया। हमको फाइंड आउट करना है प्रेशर, फॉर्मूला क्या था, रो जी एच, सिंपल वैल्यू पुट करी हमने, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 10 की पावर 3 और प्लस 1 4 हो गई, 10 की पावर 4 हो गई, और 4 में से 2 चलेगा तो क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, कैसे बचेंगे प्लस के 2, इसका मल्टीप्लीकेशन किया आपका आंसर आ गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक ही फॉर्मूला है आपके पास, रो जी एच, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। दो तीन वैल्यू है बस, एक वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए क्या होती है और मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होती है। नाउ वी विल डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, थ्योरी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपली यू हैव टू गिव इन द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ इन पास्कल एंड एटमॉस्फेयर। सिंपल देखो ये दे रखी है आपको 10 to the power 5, और ये आई कैसे, नाउ वी विल सी दिस, सी दिस, यू कैन सी दिस, द वैल्यू इज कम फ्रॉम दिस डेरिवेशन, वही सेम प्रेशर इज इक्वल्स टू रोजी एच, आपकी जो आपकी मरकरी की जो हाइट होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है, चेंज कर लिया मीटर में आपने सिंपली। डेंसिटी जो मरकरी की क्या होती है, 13.6 × 10 to the power 3, और ग्रेविटी कितनी लिखती है, 9.8 meter। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू। और यही चीज थिंग याद रखिए, वन एटमोसफेयर जो होता है वो 1.013 × 10 to the power 5 पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन है, नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज टेरर। आपको क्वांटिटी बतानी है इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, टेरर होती है। तो कौन सी यूनिट है आपकी, प्रेशर। बार एंड मिली बार आर यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, दैट इज प्रेशर। डिफाइन वन एटमोसफेयर, आई विल टेल यू टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर 2nd सेम थिंग, या फिर आपको लिखना है प्रॉपर वे में तो आप इसके बाद ये लिख सकते हैं, द थ्रस्ट एग्जर्टेड बाय पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द एयर कॉलम इज कॉल्ड वन एटमोसफेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वी फील अनइजी एट हाई, वेरी हाई एज वेल एज वेरी लो एल्टीट्यूड। वही चीज, अगर आप वेरी हाई हाइट पे जाते हैं तो भी आपको बहुत ही अनईजी, मतलब बहुत ही कंजस्टेड सफोकेशन सा फील होता है, चाहे लो जाए तो भी होता है। ऐसा क्यों होता है, देखा होगा आपने, ये आपको बता दिया है। जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा। ऐसे इसका जस्ट उल्टा कर दो, आप लो लेवल पे आते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट दैट शो एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको एक्सपेरिमेंट शो करना है, कोई सा भी शो कर सकते हो, वो वाला भी कर सकते हो जो मैंने वीडियो में शो किया है, और वो भी कर सकते हो आप जो आपको मैंने इस बुक में आपको गिवन दे रखा है, दिस वन। नाउ कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलून फिल्ड विद द हाइड्रोजन मूव अप एंड आफ्टर अटेनिंग सम हाइट इट कोलैप्स, व्हाई। ये बोला है एक बैलून है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है, ऊपर जाता है लेकिन कुछ हाइट के बाद पिचक सा जाता है, ऐसा क्यों होता है। सेम थिंग इसका आंसर ये है, देखिए आपका, देखिए जो बैलून का इसका एटमॉस्फेयर होता है, सॉरी बैलून के अंदर जो प्रेशर होता है कुछ हाइट के बाद ज़्यादा कम हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन हाइट पे जो जो एटमॉस्फेयर जो ज़्यादा आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होगा वो भी कम हो जाता है, तो इतना ज़्यादा हो जाता है पर उनका डिफरेंस आता है प्रेशर में। बैलून का टाइप में प्रेशर जो होता है ज़्यादा हो जाता है और आपका पैड पर प्रेशर भी कम हो जाता है, तो क्या धीरे धीरे पिचक जाता है वो, ड्यू टू अ डिफरेंस ऑफ पैड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर डज नॉट रन आउट फ्रॉम अ ड्रॉपर अनलेस इट रबर बल्ब इज प्रेस्ड, व्हाई।
वही चीज़ अगर आपने देखा बल्ब रबड़ जो होती है वो उसको प्रेस करते हैं तो तब तक निकलता क्यों नहीं है। वही चीज़ है कि सिंपल आपका जब तक उसे प्रेस नहीं करोगे उसके अंदर का प्रेशर घटेगा नहीं, तो दोनों के प्रेशर इक्वल रहता है, ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं करोगे दबाओगे तो उसमें प्रेशर अंदर की एयर है उसे आप निकालोगे नहीं, तब तक वो चीज़ें आपकी नहीं हो पाएंगी। एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ वाटर और लिक्विड ट्रैवल इन सीरीज। तो ये तीनों क्वेश्चन सेम बात पे अप्लीकेबल करते हैं कि आपका सिंपल है जब तक कि आपका डिफरेंस नहीं आएगा प्रेशर्स में वो चीज़ नहीं हो सकता है। देखो सिरिंज में भी ये होता है, अंदर की सिरिंज जो होती है उसके अंदर जो एटमोसफेयर प्रेशर होता है हम उसको ऐसा खींचते हैं तो उसका इतना प्रेशर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट होता है लेकिन आपका जो टेम्परेचर अंदर का प्रेशर जो कम हो जाता है लेकिन बाहर का एटमोसफेयर प्रेशर ज़्यादा होता है। और याद रखिए जो प्रेशर जो काम करता है हाई लेवल से लेकिन लो लेवल तक काम करता है, इसीलिए हाई लेवल कहाँ है आपका बाहर एटमोसफेयर प्रेशर में, तो यही वजह है उसका लिक्विड जो है आपके सिरिंज के अंदर फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट है वॉट इज द यूटिलिटी ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर की यूटिलिटी क्या है, सिंपल बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दैट। नाउ आई रिपीट क्वेश्चन सेकंड एंड 12th बिकॉज आई एम टेलिंग सो फास्ट। सिंपल बताते हैं व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बैरोमीटर, आपको बताना है बैरोमीटर की यूटिलिटी क्या होती है। बैरोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर, सिंपल है आपका बैरोमीटर आपका वो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको एटमोस्फेयर प्रेशर को नापते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बैरोमीटर हाइट एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर। यू विल गेट दिस आंसर इन पार्ट टू फर्स्ट वीडियो एंड आई विल शो दिस डेरिवेशन इन योर बुक। देखिए आपको इसका आंसर है वीडियो पार्ट वन में भी देखने को मिल जाएगा लेकिन इसका सेकंड बुक में भी आपको इसका डेरिवेशन दे रखा है। सिर्फ इतना अंतर है आपका कि आपकी वाटर की जो डेंसिटी, जो आपने वाटर की बहुत डेंसिटी ली है, आप डेंसिटी तो सेम है आपकी वो चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे क्या आता है आपकी डेंसिटी ऑफ आपकी क्या पूछा गया आपसे डेंसिटी पूछी गई किसकी, डेंसिटी पूछी जाएगी कि मरकरी की, मरकरी की क्यों डेंसिटी जो पूछी जाएगी इससे बोले मरकरी की क्यों पूछी जाएगी कि बैरोमीटर में क्या भरा होता था, मरकरी ही आपका फिल होता है, रिलेशनशिप तो आपका यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर, मरकरी को क्यों यूज किया गया बैरोमीटर में। सिंपल जो एडवांटेज मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं देखो वही चीज़ है आपकी, जैसे कि आपकी जो सिंपल है कि डेंसिटी जो होती है मरकरी की बहुत ही हाई होती है, ये चिपकता नहीं, इट नॉट स्टिक विद द ट्यूब, इट इज़ वेपर डेंसिटी इज नेग्लिजिबल, और थर्ड थिंग इज दैट कि जो इसकी जो आपकी वो ट्रांसपेरेंसी होती है बहुत ज़्यादा एक अच्छी होती है, ये आपके मेन पॉइंट्स हैं और आपको मेन पॉइंट्स को बुक्स में भी देख सकते हो, ये रहे आपके मेन पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कैन वाटर बी यूज एट द प्लेस ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर, क्या हम वाटर मरकरी की जगह उसको पानी की जगह मरकरी की जगह पानी यूज कर सकते बैरोमीटर में, नहीं क्यों नहीं कर सकते, लेकिन रीजन नहीं पूछा इसने कि रीजन नहीं पूछा है, लेकिन मैं बता दे रीजन क्या है, क्योंकि जो आपके वही सिंपल है कि वाटर की डेंसिटी आपकी ज़्यादा हाई होती है वो उसके वेपर्स जो होती हैं बहुत ही हाई होती हैं, वो चिपक जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती वाटर की में, यही चीज़। लेकिन आपको रीजन नहीं पूछा है इसमें, यस या नो पूछा है, तो कैन ये आपको यस या नो बताना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, अब ये पूछा है एचजी पे क्या मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप 76 सेंटीमीटर हाइट की मरकरी पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना लगता है, मतलब आपका इस हाइट पे आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका आप लोग देख सकते हो, मतलब इससे अगर ऊपर हाइट होगी तो आप एटमॉस्फेयर प्रेशर को नहीं फील कर पाओगे, और इससे बिलो होगी तो भी नहीं फील कर पाओगे, मतलब इस हाइट पे आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, ये मतलब कि बताना चाह रहा है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द बैरोमीटर, नहीं एक क्वेश्चन मिस हो गया 18, वॉट इज़ द नेम ऑफ वैक्यूम क्रिएटेड इन द बैरोमीटर, जो आपका वैक्यूम क्रिएट हुआ था बैरोमीटर में उसका नाम क्या है, उसका नेम है देखिए देखिए आपका है टेरिसिलिनियम वैक्यूम, देखो आप क्वेश्चन में बुक में भी दे रखा है टेरिसिलिनियम वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वॉट हैपन टू द बैरोमीटर हाइट इफ ट्यूब इज पोस्ट इन द टोंग, आपसे बोला है अगर टोंग को अगर आपके बैरोमीटर को टोंग में नीचे धसाया जाए तो क्या होगा, आपकी जो हाइट रहेगी वो सेम रहेगी, हाइट जो रहेगी आपकी क्या होगी सेम रहेगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा क्योंकि जो लिक्विड है इसके अंदर का वो पहले पहुंच गया तो उसके अंदर सेम रहेगी, सॉरी सेम नहीं रहेगी वो टिल्ट मतलब थोड़ा सा झुकाने पे होती है, अगर आप नीचे डालोगे बैरोमीटर की हाइट घट जाएगी,
देखो मैं बात समझाती हूँ, आप पानी अगर लीजिए तो उसे उल्टा डालोगे ना, देखो आप इसको देखिए, आप पेज नंबर पे देखिए, देखो ये लिखा उल्टा बोलती है मैं, थोड़ा सा रिवर्स में देखो, ट्यूब इज टिल्टेड तो वर्टिकल हाइट रिमेन्स सेम। आपको देखो पानी का लेवल से पानी रखा है आप ग्लास में, उससे आप यूं करोगे तो आपका हाइट तो सेम ही रहेगी ना, 2 लीटर पानी को आप 3 लीटर में डालोगे, बाल्टी में डालोगे 2 लीटर ही तो रहेगा, तो हाइट वाटर की जो हाइट तो सेम ही रहेगी ना, चाहे आप उसे घुमा लो टेढ़ा कर लो, हाइट तो सेम ही रहेगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर दूसरा ये है कि आपने उसे क्या कर दिया, आपने क्या किया, नीचे दबाया, दबाया तो क्या हो गई, जो आपकी पानी की जो क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो देखिए ये पानी था, उसे आप यूं करोगे और उल्टा लटका उल्टा करोगे इस ग्लास को, इन्वर्टेड शेप में डालोगे, तो इसका पानी होगा उसके अंदर चला जाएगा ना, समझिए समझ रहे आप लोग, चला जाएगा तो उसकी वाटर इसकी हाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताने हैं, स्टेट टू यूजेस ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर के 2 यूज बताने हैं, सिंपल बता दीजिए, इट इज़ यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग, एल्टीमीटर। नेक्स्ट है गिव टू रीजन फॉर यूजिंग HG इन बैरोमीटर, मैं मरकरी को बैरोमीटर में क्यों यूज़ करते हैं, इसके 2 रीजन दीजिए, वही सिर्फ सेम चीज़ जो आपको एडवांटेज डिस्कस की थी पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में, उसी को आप देख सकते हैं, कोई भी 2 आपको बताना है। एंड्रॉयड बैरोमीटर क्या है, एंड्रॉयड बैरोमीटर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो में, आप उसको भी लिख सकते हो, चाहे आपकी बुक में दे रखे उसको भी आप लिख सकते हैं इजीली। हाउ डज द एटमोस्फेरिक प्रेशर चेंज विद द हाइट, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस वेरिएशन, वो बताया है, एज वी गो मूव अप एंड अप द एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपका डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो जो आप वीडियो में एक्सप्लेन किया वो भी लिख सकते हो, बुक में दे रखा है, बुक में आपको दिखा देती हूँ मैं कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, आप इसको भी लिख सकते हो और इस तरह पैराग्राफ को भी इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है मैं, व्हाट इज एल्टीमीटर, हाउ इट स्केल इज कैलिब्रेटेड, देखो कैलिब्रेटेड का मतलब बनता कैसे है, तो देखो एल्टीमीटर क्या होता है आपका, एल्टीमीटर आपका सिंपल कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है जो का हाइट को मेजर करता है। आई विल शो द पिक्चर ऑफ एल्टीमीटर, देखो एल्टीमीटर आपकी वॉच की तरह होता है, ठीक है। अब इसे बनाया किस पे आता है, इट इज मेड विद द गेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रेशर अकॉर्डिंग टू द हाइट, मतलब ऐसे से आपकी हाइट बढ़ती घटती जाती है तो वो उसकी बिहाव पे आपका काम करता है। देखो ये पिक्चर दे रखी है एल्टीमीटर की, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल इन योर स्टडी एंड थैंक यू सो मच।